गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन हल कराऊंगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रह जाएंगे होमवर्क के लिए दिए जाएंगे उसको आप पूरा कर लेंगे। आप देखो, एक्सरसाइज में 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर हूज सम इज -7। ऐसा इंटीजर लिखने हैं जिनका सम माइनस का 7 हो जाएंगे। हमने कुछ किया जैसे माइनस का 4 प्लस -3। अब इन दोनों का सम करेंगे, दोनों माइनस और माइनस का सम माइनस का ही आएगा और आंसर आएगा माइनस का 7। इस प्रकार और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे -6 और -1, दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। इस तरह के बहुत और भी आंसर हो सकते हैं। बी पार्ट है इसका, डिफरेंस इज -10, जिसका डिफरेंस -10 हो तो आप -11 लेंगे और बीच में माइनस करेंगे और -1, जब माइनस अंदर जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और उसका डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 10। सिमिलरली -10 और -20, इनका डिफरेंस भी -10 आएगा। ऐसे भी और सारे आप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन इसके आंसर लिख सकते हैं। सी पार्ट्स हैं, सम इज 0, ऐसे इंटीजर लेने जिनका सम 0 हो जाएगा, तो आपको सेम इंटीजर एक प्लस एक माइनस का ले लेंगे, वो आ जाएगा माइनस का 10 प्लस प्लस का 10, तो इनका जो सम आएगा वो 0 आ जाएगा। जैसे -3 और प्लस का 3 भी 0 आएगा, -2 और प्लस का 2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हूज डिफरेंस इज 8, जिनका डिफरेंस 8 हो। आप देखें 6 और माइनस, डिफरेंस लगना तो माइनस लगेगा और माइनस का 2, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये इसको प्लस का बना देगा और 6 प्लस 2 8, आंसर 8 आ जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, 10 और -2 भी ले सकते हैं, 10 और -2, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है। बी पार्ट है इसका, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हूज सम इज -5, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एक पॉजिटिव लेना है, उनका सम -5 है, तो माइनस का 10 और प्लस का 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा इसका आंसर। और भी है, सी पार्ट है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर्स हूज डिफरेंस इज -3, एक नेगेटिव इंटीजर लेना एक पॉजिटिव लेना, उनका डिफरेंस जो है -3 आ जाना चाहिए, तो आप माइनस का 2 और माइनस करेंगे प्लस के 1 से, एक हमने नेगेटिव इंटीजर लिया एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और उनका डिफरेंस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्वेश्चन है, एक क्विज हो रही है टीम ए और टीम बी में। टीम ए का जो स्कोर है माइनस का 40 है, प्लस का 10 है और एक मैच में 0 है, तो इनका जब हम सम करेंगे तो -30 आ जाएगा। इस बार टीम बी का जो स्कोर है 10 है, 0 है और माइनस का 40 है, इनका भी सम करेंगे 30 आ जाएगा। इसे पूछा है कि कौन सा टीम अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे हैं, तो बोथ टीम है सेम स्कोर, दोनों टीम का सेम स्कोर है -30 -30, तो इनके दोनों का सेम स्कोर है, तो दोनों सेम काम किया दोनों ने। अब दूसरे पूछा है कि क्या हम इसको अलग तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एनी अदर मेथड, तो आप ऐड कर सकते हैं, पहले 10 को -40 में, 40 को प्लस के 10 में ऐड करेंगे तो आप अलग अलग पैटर्न से कर सकेंगे, तब भी आंसर यही आएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन नंबर 4 में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसमें दिया है जैसे माइनस का 5, इसमें क्या करें कि आगे माइनस का 8 प्लस समथिंग दिया, तो आप देखो कि 8 यहाँ पर दिया था, यहाँ 8 नहीं है तो इधर 8 आएगा, इधर 5 है तो इधर 5 आ जाएगा, तो ये हमारा RHS LHS इक्वल हो गई। ऐसा 53 में क्या जोड़े कि माइनस सेम वही 53 आ जाए, तो आप 0 ऐड करेंगे, जिसमें 0 ऐड करने पर वो सेम डिजिट आ जाती है। यह 17 प्लस में क्या जोड़े कि आंसर 0 आ जाए, तो 17 में माइनस का 17 ऐड करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन करेंगे, 13 प्लस माइनस का 12 प्लस क्या ऐड करें कि ये आंसर आ जाए, तो आप इसमें 7 देखो, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 7 है, 12 है, 12 इधर, इधर 7 नहीं है तो हम इधर 7 लिख देंगे, और इधर आप देख रहे हैं 12 और 7 है, 13 नहीं है, इधर 13 है तो इधर हमने 13 लिखा, तो हमारे ये डिजिट सेम हो गए। सिमिलरली आपने के साथ 5th पार्ट इसका इसी प्रकार कर लेंगे, और ऐसे करते हुए हम इस पूरी एक्सरसाइज को हल कर लेंगे। ठीक बेटा, धन्यवाद।